सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है। भारत के मुख्य जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 5 संसदीय कॉलेजियम ने हाल ही में बैठक की और देश के शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनमोहन के नाम की सिफारिश करने का फैसला किया। 61 साल के न्यायमूर्ति मनमोहन नौकरशाह से राजनेता बने जगनमोहन के पुत्र हैं। जगमोहन जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल भी रहे। 3 मई 2021 को जगमोहन की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति मनमोहन का जन्म 17 दिसंबर 1962 को दिल्ली में हुआ था। इन्होंने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री में बीए ऑनर्स किया। 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी से एलएलबी की डिग्री हासिल की और उसी साल वो अधिवक्ता बन गए। एक वकील के तौर पर उन्होंने मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, कराधान, मध्यस्थता, ट्रेडमार्क में केस लड़ा। इन्होंने भारत सरकार के लिए एक वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता के रूप में भी काम किया। उन्हें 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। वकील के रूप में अपने निजी अभ्यास के दौरान उन्होंने दाभोल पावर कंपनी, हैदराबाद निजाम के आभूषण ट्रस्ट मामले, क्लेरिस होटल विवाद आदि सहित कई महत्वपूर्ण केस को लड़ा। इन्हें मार्च 2008 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद मनमोहन अगले वर्ष स्थायी न्यायाधीश बन गए। इन्होंने नवंबर 2023 में उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें इसी साल सितंबर में दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। जस्टिस मनमोहन अभी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एकमत से ये प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। चीफ जस्टिस खन्ना के अलावा कॉलेजियम में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एएस ओका शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की स्वीकृत संख्या 34 है, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है। फिलहाल चीफ जस्टिस समेत 32 जज कार्यरत हैं। हाल ही में जस्टिस हेमा कोहली और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं, जिसके बाद 2 पद खाली हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य सीनियर जस्टिस के नामों पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के लिए इन नामों पर विचार किया गया और इस सूची में जस्टिस मनमोहन का नाम 2 नंबर पर है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट में वो सबसे सीनियर जस्टिस हैं। इसके अलावा देश भर के प्रतिनिधित्व में दिल्ली हाई कोर्ट के केवल एक ही जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।